हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड एक टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 5 to 6 मार्क्स का कवरेज इसका आसानी से हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आपके कोई ऐसा एग्जाम आप दे रहे हो जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो ये क्वेश्चन वहाँ पे भी आपको दिख सकता है। 1 to 2 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से मिल सकता है। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही साथ इसका मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों डिस्कस करेंगे। So let's start the topic. Preference share capital होता क्या है? देखिए, आप सबको पता है जब कोई बहुत बड़ी कंपनी चलती है तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा भी चाहिए होता है, और सिर्फ किसी एक पर्सन के लिए ये जो है इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो खुद अपनी पॉकेट से जो है सारा का सारा पैसा निकाल के उस कंपनी में लगा दे। तो इसके लिए वो क्या करता है, कंपनी की ओनरशिप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है जिसको शेयर्स कहते हैं, और उसको जो है मार्केट में बेच देता है। मार्केट से जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जैसे आप और हम अगर चाहें तो इन कंपनी में अपना पैसा लगा सकते हैं और उन को खरीद सकते हैं। सो एक तरीके से कहा जा सकता है कि हम भी उस कंपनी के एक छोटे से पार्ट के ऑनर हैं जिस पार्ट में उस शेयर्स को बांटा गया है। सो उस पार्ट की ऑनरशिप हमें मिल जाती है, हमारे पास शेयर्स आ जाते हैं। अब जब ये शेयर्स दिए जाते हैं तो वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस कुछ वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा आप जाके देख सकते हैं। उसी में एक प्रकार के शेयर आपके होते हैं प्रेफरेंस शेयर। इन प्रेफरेंस शेयर को इशू करने का एक मेन मोटिव ये होता है कि इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने ये प्रेफरेंस शेयर्स लिए होते हैं, इनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि इनको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस दिया जाएगा यानी कि जब कोई कंपनी जब भी इतना प्रॉफिट करती है तो उसका पैसा कहाँ जाता है, ऑनर्स को जाता है, एज ए डिविडेंड के रूप में ऑनर्स को बांटा जाता है। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इन सबको डिविडेंड के रूप में दिया जाता है। जब बात आती है प्रॉफिट की कि भाई प्रॉफिट हुआ है तो किसको सबसे पहले पैसा दें, क्योंकि ऑनर तो हमारे लिए प्रेफरेंस शेयर वाले भी हैं, इक्विटी शेयर वाले भी हैं। सबसे पहले तो डेब्ट चुकाए जाएंगे, वो आई होप आप सबको पता है कि जब पैसा आता है सबसे पहले बाहर की देनदारियां दी जाती है, उसके बाद प्रॉफिट को बांटा जाता है। तो इसीलिए पहले डेटर्स को जो है वो चुकाया जाए, सॉरी डेब्ट चुकाए जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, डेब्ट चुकाए जाएंगे। लॉन्ग टर्म जो लोन्स लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म वाले, आप वो पहले चुकाने की कोशिश करोगे। एंड देन उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचता है उसको फिर आप क्या करते हो, ऑनर्स में बांटते हो। अब ऑनर्स में आपको दिख रहे हैं दो ऑनर्स आपके सामने, एक है इक्विटी, एक है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दोनों कह रहे हैं जो है प्रॉफिट हुआ है, डिविडेंड बट रहा है, मुझे पहले दे। लेकिन पहले किसको दिया जाएगा, एज द नेम सेज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दी जाती है कई जगहों पे। इसका बेनिफिट इसके साथ चलता है। प्रेफरेंस किस किस चीज़ों में, डिविडेंड मिलेगा तो प्रेफरेंस, कंपनी कल को उठेगी वाइंड अप होगी तो सबसे पहले इनकी पेमेंट्स की जाएंगी, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सो ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का एक अच्छा कह सकते हो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखता है। दीज आर अ स्पेशल काइंड ऑफ शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं ये एक स्पेशल काइंड के शेयर होते हैं जिसमें द होल्डर ऑफ सच शेयर इंजॉय प्रायोरिटी। इसमें क्या होता है, जो होल्डर होता है प्रेफरेंस शेयर के, जो होल्डर होते हैं उनको एक प्रायोरिटी इंजॉय करने को मिलती है। कौन सी प्रायोरिटी, बोथ एज रिगार्ड्स टू द पेमेंट ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड एंड ऑल्सो टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। यानी दो आपको यहाँ पे मेजर एक प्रायोरिटी मिलती है, किस किस चीज़ में। पहली, जहाँ पे आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता है। देखो बच्चे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या होता है ना, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड होता है। जब आप देखोगे कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर जो है इशू कर रही है तो उसके नाम के आगे ही लिख दिया जाता है 6% प्रेफरेंस शेयर, 7% प्रेफरेंस शेयर। नाउ व्हाट डज दिस 6%, 7% और वट एवर परसेंटेज शोन इन फ्रंट इन दैट नेम, वो दिखाता है कि इसको डिविडेंड कितना परसेंटेज मिलेगा। सो वो जो परसेंटेज शो किया जाता है ना, वो डिविडेंड से लिंकेज होता है कि इतना डिविडेंड आपको दिया जाएगा। डिविडेंड फेस वैल्यू पे होता है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट का 6% आपको उठा करके दे देंगे, नहीं। जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, जितने के शेयर्स आपके पास हैं, उसका जो फेस वैल्यू के शेयर आपके पास है उसका 6%, 7% और जो भी परसेंटेज लिखा होगा वो परसेंटेज आपको दिया जाएगा। दिस इज फिक्स्ड, यानी इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। पर इक्विटी में ऐसा नहीं होता, इक्विटी में होता है बचा है तो दे देंगे, नहीं बचा तो नहीं देंगे, बात खत्म, उससे ज्यादा आप उम्मीद मत रखिएगा। और ये जो है ये आपको फिक्स्ड मिलता है, मिलता ही मिलता है। जैसे अगर इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ है तो आज इस बार आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी प्रॉफिट होगा तो आपको वो सारा पैसा दिया जाएगा, वो सारा डिविडेंड दिया जाएगा। इवन जो प्रीवियस डिविडेंड था जो आपको नहीं दे पाए
है वो भी दिया जाएगा। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर के साथ ऐसा नहीं होता, इस साल नहीं है जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, ठीक है, नेक्स्ट टाइम इस साल भी नहीं है निकल जाओ यहाँ से, वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएगा। सो ये क्या है, ये एक प्रेफरेंस रहती है उनको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए। ये तो हुआ पहला बेनिफिट जो वो इन्जॉय करते हैं। सेकेंड बेनिफिट इज वॉट, जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, वाइंड अप हो रही है यानी कंपनी उठ रही है, तो जिस जिसका पैसा लगा हुआ है उसको कैपिटल वापस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मतलब जब कैपिटल वापस की जाती है तो प्रेफरेंस और इक्विटी में से प्रेफरेंस को पहले दिया जाता है पैसा, और फिर अगर बचता है तो इक्विटी को दे देते हैं, या मतलब जैसा भी फिर केस होता है उसके हिसाब से उसको निपटाया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको ये ऊपर का 5 मिनट का जो मैंने बोला है ना, जिसमें से 3 मिनट का ही काम का होगा, 2 मिनट कुछ बकवासी की होगी मैंने, तो उसी में से सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके निकल के आ जाएंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इज योर प्रेफरेंस डिविडेंड, कि भैया डिविडेंड मिलेगा तो प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। प्रेफरेंस डिविडेंड रेट इज नॉर्मली हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स लोन एटसेट्रा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जो डिविडेंड होते हैं ना, डिविडेंड का रेट होता है वो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा किससे, अगर आपने डिबेंचर लिया है तो, यानी अगर आप डिबेंचर उठा रहे हो ना मार्केट से तो वो 8 या 9% का होगा। डिबेंचर यानी लॉन्ग टर्म आपकी जिस एक बॉन्ड की तरह ही होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं जो आपका कंपनी उठाती है मार्केट से, और उनको जो है एज एन इंटरेस्ट उनको पेमेंट करना पड़ता है उस डिविडेंड का। सो माफ़ कीजिएगा, डिविडेंड का नहीं, डिबेंचर्स को, ठीक है, 7-8% हो सकता है आपने डिबेंचर इशू करे हों, पर वहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर में आपको ना 10, 11, 12 इस टाइप का रेट दिखता है। तो यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्ड प्रेफरेंस का जो शेयर्स होता है उस पर जो डिविडेंड होता है वो रेट हायर होता है, नॉर्मली हायर होता है आपके डिबेंचर्स के रेट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, या फिर लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। दिस एन अप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। नेक्स्ट वन इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग। हाइब्रिड फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग यानी कि प्रेफरेंस शेयर हैज़ फीचर्स ऑफ बोथ डेब्ट एंड इक्विटी। प्रेफरेंस कैपिटल में ना आपको दोनों फीचर्स दिखेंगे। दोनों फीचर्स कैसे दिखेंगे, क्योंकि देखो जब आप उधार लेते हो मार्केट से तो इस साल आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपको बाद में इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट क्या है, आपके सर पे एक देनदारी खड़ी हो ही गई है, जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर में भी दिखती है पर इक्विटी में नहीं दिखती। इक्विटी में क्या है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो दोगे, नहीं हुआ तो नहीं दोगे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो आपका डिविडेंड है वो पे करना इज मस्ट, चाहे आप इस साल करो, अगर इस साल नहीं है तो नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तब आप सबसे पहले उनके कर्ज चुकाओ। तो ये क्या है, एक तरीके से फीचर हो गया कि भाई आपने उधार ले रखी है, क्योंकि सिस्टम तो वही कह रहा है ना कि भाई उधार ले रखी है देना ही पड़ेगा। सो प्रेफरेंस कैपिटल हैज फीचर ऑफ बोथ डिबेंचर एंड इक्विटी। इक्विटी का भी यहाँ पे आपके पास फीचर दिखता है और आपको डेब्ट का भी फीचर दिखता है। इट कैन बी कंपेयर्ड विद डेब्ट सिंस द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड एंड द कैपिटल इज रीपेबल एट द एंड ऑफ पीरियड। यहाँ पे आप जो है डिबेंचर्स के साथ इसको जो है कंपेयर्ड कर सकते हो। कैसे, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ जो है वो फिक्स्ड होता है। आपको पता है लोन पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, प्रेफरेंस पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फिक्स्ड है, डिविडेंड फिक्स्ड है वहीं, एंड द कैपिटल जो है वो भी रिपेबल आपको करनी ही पड़ेगी जब आपकी कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। नेक्स्ट इज रिडीमेबल एंड कन्वर्टेबल। प्रेफरेंस शेयर होता है वो आप रिडीम भी कर सकते हो, कंपनी अगर चाहे तो उसको आगे चल के रिडीम कर सकती है, खुद अपने पास दोबारा ले सकती है और उसको पैसा देके रफा दफा कर सकती है, या फिर उसको कन्वर्ट कर सकती है। कन्वर्ट किस में कर सकती है, कन्वर्ट आपकी इक्विटी शेयर में, या फिर जो अदर टाइप ऑफ शेयर्स होते हैं वहाँ कन्वर्जन अवेलेबल हो जाता है। सो जनरली प्रेफरेंस शेयर कैरी अ स्टिपुलेशन ऑफ रीपेमेंट एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड। समटाइम्स दे मे ऑल्सो कैरी द ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन इंटू इक्विटी कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ केसेस में जो है उनको पहले ही बता दिया जाता है ये कन्वर्टेबल होंगे, आगे जो है रिडीम करने के टाइम पर अगर आप इसको कन्वर्ट करवाना चाहो तो करवा सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर क्यूमुलेटिव ऑप्शन। प्रेफरेंस शेयर मे बी इशूड एज क्यूमुलेटिव। एग्जाम्पल, द डिविडेंड पेबल इन अ ईयर ऑफ लॉस गेट्स कैरिड ओवर टू सब्सिक्वेंट ईयर टिल देयर आर एडिक्वेट प्रॉफिट्स टू पे द एक्यूमुलेटेड डिविडेंड्स। क्यूमुलेटिव ऑप्शन होता है, जो अभी हमने बात की थी कि इस साल अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, डिविडेंड नहीं दे पाए, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास प्रॉफिट होगा या जब भी आपके पास पेमेंट करने के लिए जो है आप लायक होगे तो आपको उनको पैसा देना पड़ेगा। सो वो पैसा क्या है, जो वो इंटरेस्ट है, जो डिविडेंड जो है वो क्यूमुलेट होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, जब आपके पास आएंगे आपको उसको देना पड़ेगा। तो ये जो है प्रेफरेंस शेयर में एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कि वो अमाउंट क्यूमुलेट होता रहता है। सो ये था गाइज आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, जहाँ पे हमने डिस्कस किया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में और साथ ही साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल एंड साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में मैं जब भी जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाएगा। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।